नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बुकिंग में ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बता दें, जिप्सी कारोबारियों ने जांच के लिए निदेशक को ज्ञापन सौंपा और साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ऑनलाइन बुकिंग में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। बता दें कि आज जिप्सी चालक कॉर्बेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निदेशक धीरज पांडे को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 14 फरवरी के बाद के लिए अभी कॉर्बेट की ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही एक व्यक्ति ने 15 फरवरी को ढिकाला की बुकिंग कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉर्बेट में लंबे समय से इस तरह की धांधली चलती आ रही है। उन्होंने कहा कि अभी जब ढिकाला और अन्य जगह के लिए नाइट स्टे के लिए 14 फरवरी तक ही बुकिंग पूर्व में खुली थी, जिसमें जोन पैक है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से आगे के लिए अभी बुकिंग नहीं खोली गई है, तो ये बुकिंग दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट द्वारा कैसे करा दी गई? उन्होंने निदेशक से मामले में जांच कराने की मांग की है। वहीं मामले में कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि समय से पहले ढिकाला की बुकिंग का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि NIC से मामले की जानकारी ली जाएगी और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी एज इफ नाउ जो हमारी बुकिंग ढिकाला ही खुली हुई वो 14 फरवरी तक की खुली हुई है। बस गेस्ट को किसी एजेंट ने या किसी भी 420 करने वाले ने 15 फेब की बुकिंग करके दे दी है और इसकी 22 फरवरी की बुकिंग भी डन हो चुकी है और इस गेस्ट से 40,000 एक रूम का चार्ज किया गया है। और इस तरीके से पता नहीं कितनी बुकिंग और हुई नहीं है जो कि अभी तक पता नहीं थी, बट अब आज ये संज्ञान माया तो हमने डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें नामजद हैं, अभी हमें नाम पता नहीं है लेकिन हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, जो भी नामजद होंगे उनके खिलाफ भी हम खुले नाम से एफआईआर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनके कई मुद्दे हैं जो हमारे सामने आज इनके प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में पूर्व में भी हमें कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए थे जिसमें कुछ बिंदुओं पर हमने कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। इनमें से जो भी बिंदु हमें ऐसा लगेगा जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है उसे तत्काल अमल में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो परमिट जारी हो रहे हैं सफारी से संबंधित और बुकिंग से संबंधित, उसके संबंध में भी इनके द्वारा एक बिंदु हमारे संज्ञान में लाया गया है जिसकी प्रत्यक्ष से अलग से जांच कराई जा रही है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में बुकिंग के नाम में हुए फर्जीवाड़े को लेकर कई जिप्सी चालकों ने आज कॉर्बेट कार्यालय पहुंचकर पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच के साथ ही दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिप्सी चालकों का कहना है कि कॉर्बेट पार्क प्रशासन द्वारा कॉर्बेट पार्क की बुकिंग 14 फरवरी तक ऑनलाइन की गई है, लेकिन ट्रैवल एजेंटों द्वारा एक पर्यटक को 15 फरवरी की बुकिंग दे दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं पार्क प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बुकिंग का फर्जीवाड़ा पूर्व में भी कई बार सामने आया है। वहीं जिप्सी चालकों ने इस मामले में ट्रैवल एजेंट के साथ जो भी इसमें लिप्त कर्मचारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं मामले में पार्क के निदेशक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31।